क्वेश्चन तो इज आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद मैक्सिमम आयनिक नेचर आर तो मेटल के ऑक्साइड मेटल क्लोराइड फासफाइड एंड सल्फाइड तो इसमें आयनिक नेचर सबसे ज़्यादा किस्में आएगी सो आंसर इज मेटल ऑक्साइड अब मान लो कोई भी मेटल एम है जस्ट रैंडमली लेट्स से मैग्नीशियम ले लेते ले हैं फिर हम बात कर लेते हैं उसका ऑक्साइड है उसका क्लोराइड है उसका फासफाइड है उसका सल्फाइड अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में आएगा जब उसका ऑक्साइड बनेगा अब इसकी इलेक्ट्रोनेगटिविटी कितनी है थ्री पॉइंट फाइव इसकी कितनी है थ्री इसकी अराउंड टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट वन समथिंग इन दिस रेंज ठीक है नंबर में नॉट बी एग्जैक्ट बट इट फॉल इन दिस रेंज अब मैग्नीशियम तो ये तो कॉन्सटेंट फैक्टर ही है कुछ सम एक्स वैल्यू वट एवर इट इज अब डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें आएगा इसमें आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एंड वुड बी मैक्सिमम इन दिस केस अब जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ही हमारे पास जो है उसकी जो है आयनिक नेचर बनेगी ओके सो मैक्सिमम आइनिंग नेचर किसमें बनेगी हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स में सो आंसर शुड बी ए ओके